लिए दो लोग घर से बाहर होंगे तो क्या लगता है दर्शक अभी कौन? हाँ, जैसे अब इतने छह लोग तो ट्रॉफी जीत नहीं सकते, एक ही कोई जीतेगा। उससे पहले फिनाले में कुछ टास्क होते रहते हैं, कोई धीरे धीरे करके घर से बेघर होता रहता है। लेकिन जो अभी हमारे पास खबरें हैं वो यही हैं कि जो डांस परफॉर्मेंस होगी उस दौरान पारस छाबड़ा घर से बाहर चले जाएंगे और पारस के बाद ही आरती भी घर से निकल जाएंगी। तो ये दो कंटेस्टेंट बाहर हो जाएंगे और टॉप फोर बन जाएंगे। मतलब टॉप फोर में सिद्धार्थ, आसिम, रश्मि और शहनाज गिल, और उसके बाद उनमें से भी कोई निकलेगा क्योंकि टॉप टू में मतलब जो जाएगा वो सिर्फ दो ही लोग जाएंगे और बाकी जो चार हैं तो चार में से दो अभी सिलेक्ट होंगे और दो और बाहर जाएंगे। अभी फिलहाल यही है कि पारस और आरती सिंह भी घर से बेघर हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वोटिंग ट्रेंड्स के आधार पर भी ट्विटर पर द खबरी ने ट्वीट किया इस चीज को लेकर कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो वोटिंग है और आसिम रियाज की जो वोटिंग है, जो वोट्स मिले हैं दोनों को बहुत ही ज्यादा मैच करते हैं। हो सकता है कि आसिम अब कुछ घंटों में उनकी वोट्स इतने ज्यादा हो जाए कि सिद्धार्थ शुक्ला को पीछे कर दे, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला का 26% है और आसिम रियाज का भी यहाँ पे 26% समथिंग यहाँ पर है। तो इस वजह से इनकी वोटिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रह गया है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर शहनाज है, उसके बाद फिर रश्मि देसाई है, तो टॉप फोर में इनका नाम है। और आरती को सबसे कम वोट मिले हैं, जैसा कि तुमने बताया अभी कि आरती को सबसे कम वोट मिले हैं। सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, रश्मि देसाई, शहनाज गिल, ये लोग यहाँ पर टॉप फोर में जा चुके हैं। दोस्तों, बिग बॉस के घर में हमने देखा कि बहुत ही करीब फिनाले के पहुँचने के बाद माहिरा शर्मा घर से बेघर हो गई, फाइनलिस्ट नहीं बन पाई। इस बात का उन्हें काफ़ी अफसोस दिखा। और इसी के साथ हमने ये भी देखा बिग बॉस के घर में जर्नी स्पेशल एपिसोड फिलहाल चल रहा है और जर्नी स्पेशल हमने देखा कि अभी बहुत टाइम से बिग बॉस के घर वाले इस घर में सफ़र काट रहे हैं और फाइनली अब वो दिन आ गया है कि अब बिग बॉस का विनर कौन बनेगा, ये लोगों को जानने का मौका मिल जाएगा अब फाइनली। अब कुछ ही घंटे में ये हमें पता चल जाएगा कि विनर कौन होगा। लेकिन इसी के साथ हम आज बात कर लेते हैं जर्नी स्पेशल को लेकर। जो भी घर में हमने देखा है कि सिद्धार्थ की जर्नी दिखाई गई, बहुत लंबी जर्नी थी उनकी, इसके बाद आरती की जर्नी हमने देखी, तो अभी आने वाले एपिसोड में भी हम देखेंगे बहुत सारी जर्नी होगी। तो क्या कहना है इस पर दर्शकों? जिस तरीके से ये शो है, पहले दिन से चार महीने हो गए लोगों को रहते हुए, तो उनकी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें उन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता, फिर भी ये चीज़ें हुई हैं। तो इस चीज़ को लेके जैसे हर साल बिग बॉस के एपिसोड में ऐसा एक लास्ट में दिखाया जाता है कि सबकी जो जर्नी होती है डे वन से लेके अभी तक की सारी जर्नी दिखाई जाती है जो फाइनलिस्ट होते हैं, तो ऐसा ही इस बार भी दिखाया जा रहा है। और इस बार जो है अभी तक आरती की जर्नी दिखाई गई, सिद्धार्थ की जर्नी दिखाई गई, और सिद्धार्थ की जर्नी में जो सबसे खास चीज थी वो आसिम और इनकी दोस्ती थी, जो बहुत ही अच्छी इनकी दोस्ती पहले देखने को मिलती थी। उसके बाद इन्हें ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे, मतलब ऐसा दिखा उसके अंदर। और इनकी लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, किस वजह से शुरू हुई, ये चीज़ें भी बिग बॉस ने उस जर्नी में दिखाई। यहाँ तक कि जो शहनाज के साथ इनकी जो नोकझोंक है, उनकी बॉन्डिंग है, जो आई लाइक यू कहते हैं, वो सारी चीज़ें इन्हें इनकी जर्नी में दिखाई गई, बहुत अच्छी थी। मतलब बहुत लंबी जर्नी जो पूरे घर में है, सबसे ज़्यादा लंबी सिद्धार्थ शुक्ला की है। और आरती की जर्नी में भी बहुत चीजें ऐसी दिखाई गई जो उनपे सारे टैग्स लगे हुए थे कि कंफ्यूज वाला टैग कहाँ से आया और किस तरीके से तुमने उनको पैनिक अटैक जो हुआ था वो चीजें भी दिखाई गई। तो उनके लिए भी ये जो जर्नी थी उनके लिए भी बहुत इमोशनल था और बहुत वो रोई भी और खुश भी हुई कि एक पौधा थी मैं और अब जाके पेड़ बन चुकी हूँ, जैसा बिग बॉस ने बोला। वहीं आसिम की जो जर्नी है, आज आसिम की जर्नी दिखाई जाएगी और उसके अंदर भी जो शुक्ला की जर्नी में था सेम वो उनकी दोस्ती दिखाएंगे। और आसिम को भी ये रियलाइज़ होगा कि मैंने किस तरीके से शुक्ला के साथ लड़ाई झगड़े किए, किस तरीके से हम दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हुई और मैं क्या क्या हरकतें करता था और किस वजह से ये चीज़ें हो रही थी। और वहीं उनके थोड़ा सा मतलब हिमांशी वाला भी दिखाया जाएगा कि उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पर जिस तरीके से प्रपोज किया और उन्होंने जब वो आई तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो चीज़ें दिखाएंगे। वहीं तो शहनाज की जर्नी जो है, जिस तरीके से उनको दिखाया गया कि वो पंजाब की कैटरीना कैफ के नाम से जानी जाती थी और शो ने उन्हें शहनाज गिल का जो नाम है वो बहुत बड़ा हो गया है और इस तरीके से पूरी दुनिया उनके नाम से जानती है। यहाँ तक कि जब वो इस शो में नहीं आई थी तो लोग बोलते होंगे उन्हें पंजाब की कैटरीना कैफ या जो भी उनकी पहचान थी छुपी हुई थी। बॉस ने बोला था कि आप पंजाब की कैटरीना कैफ के तौर पर एंट्री लिया था आपने, लेकिन आज आपके आपके
नाम से ही लोग जानते हैं आपको। हाँ, और जो उनका सिडनाज वाला जो हैशटैग बाहर बहुत पॉपुलर है उसके भी मतलब लोग इतना चेयरअप कर रहे थे सिडनाज करके, वो मतलब उनकी जो जर्नी थी वो उनके लिए भी बहुत स्पेशल थी और उनकी भी शायद 20 मिनट के आसपास उनकी जर्नी थी। और उसमें जो जिस तरीके से वो सलमान ने उन्हें डांटा था और वो वाला रोने धोने वाला मारने वाला सीन, वो चीजें भी इनकी जर्नी में दिखाई गई हैं। और जर्नी की बात हो ही रही है तो मैं भी शहनाज को लेकर के बता दूं कि जर्नी की जब दिखाई जा रही मतलब आज के एपिसोड में शहनाज की दिखाई जाएगी तो उस दौरान जैसे कि सभी जानते हैं कि जब शहनाज ने बिग बॉस के घर में एंट्री करी थी तो उन्होंने बोला था कि मैं पंजाब की कटरीना कैफ हूं, लेकिन बिग बॉस जो है उन्होंने शहनाज को बोला कि तुम पंजाब की कटरीना कैफ नहीं, तुम हिंदुस्तान की शहनाज गिल बन चुकी हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरा हिंदुस्तान अब तुम्हें शहनाज गिल के नाम पर जानेगा। जिस तरीके से तुमने अपनी पहचान घर के अंदर बनाई है, शहनाज को इतने अच्छे अच्छे फनी मूवमेंट्स दिखाए जाएंगे, यहां तक कि बिग बॉस ये भी बोलेंगे कि जब जब तुम टीवी पर आती हो, जब जब तुम्हारे कैमरे पर प्रेजेंस आती है, लोग हंसने लग जाते हैं देखते ही, जिनका सैड होता है मुंह या जो दुखी होते हैं वो तुम्हें देख करके मुस्कुराने लग जाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, किसी दुखी इंसान को देख करके सामने वाला खुश हो जाए तो उससे बड़ी चीज कोई नहीं होती। और शहनाज गिल खुद इतनी मतलब फैंस को देख करके, लोगों को देख करके, अपनी जर्नी को देख के इतनी एक्साइटिंग दिखाई दे रही थी कि उन्होंने बोला कि बिग बॉस ने मुझे स्टार बना दिया। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि जो अभी तक जो जर्नी स्पेशल एपिसोड में इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो ड्यूरेशन है सिद्धार्थ शुक्ला का है, लगभग 25 मिनट के आसपास उनकी जर्नी दिखाई गई है। और इसी के बाद उनका दूसरे नंबर पर है शहनाज गिल जिन्हें 22 मिनट की जर्नी उनकी दिखाई गई है। तीसरे नंबर पर है आसिम रियाज जिनकी जर्नी 15 मिनट की दिखाई गई है। उसके बाद आते हैं पारस छाबड़ा, रश्मि देसाई, इन सब की जर्नी, आरती सिंह की जर्नी, लगभग 10 मिनट के आसपास की जर्नी इन्हें इनकी दिखाई गई है। तो बिल्कुल, तो दोस्तों यहाँ पर बिग बॉस को लेकर जितना क्रेज अभी बना हुआ है, लोगों के मन में कई सारे सवाल है कि विनर कौन बनेगा, लोग अभी निगाहें एकदम टिका कर बैठे हैं सोशल मीडिया से, बिग बॉस में जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं सभी चीज़ों से, तो इन सभी चीज़ों पर लोगों की तो निगाहें टिकी हुई हैं, हमारी भी टिकी हुई हैं। लेकिन इसी के साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि बिग बॉस के ख़त्म होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हमें इन कंटेस्टेंट्स को दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्वयंवर की दोबारा से खबरें आ रही है, जिस तरह से शहनाज का स्वयंवर रचने की खबरें आ रही थी, अभी भी ये चीज जारी है, ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ लेकिन अभी भी ऐसी खबरें हैं। नहीं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट उस तरीके से नहीं हुआ लेकिन शो में उन्होंने कार्ड बांट दिया है और उन्होंने बता दिया कि 17 तारीख से मैं आ रही हूँ और मेरी शादी होगी। लेकिन एक्चुअली ये स्वयंवर वाला जो शो है ये शादी वादी नहीं होगी इसमें किसी को, जैसी खबरें हैं कि इसके अंदर एक मतलब लोग आएंगे वो प्रपोज करेंगे सिर्फ, और कुछ टास्क वगैरह होंगे, गेम खेला जाएगा और इसके अंदर सेलिब्रिटीज आएंगे। और मुझे जिस तरीके से पहले ये बताया जा रहा था कि इनकी शादी होगी, पारस की शादी होगी तो स्वयंवर रचा जाएगा लोगों का, जैसे राखी सावंत का हुआ था, तो उस तरीके का ये शो नहीं है, थोड़ा हटके है। जिस तरीके से इस बार भी बिग बॉस आया था वो थोड़ा अलग से था और थोड़ा टेढ़ा था ये सीज़न, तो मेकर्स ने जो प्लान किया है वो शादी वादी को लेके नहीं किया है, क्योंकि शहनाज के जो घर वाले हैं वो इस चीज के खिलाफ हैं कि मेरी बेटी का कैरेक्टर गलत दिखेगा। या अभी एक वीडियो आई है संतोष सिंह सुख की, उन्होंने कहा है कि ऐसी तो कोई खबरें हैं नहीं लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं शहनाज को ऐसा कोई भी शो नहीं करने दूंगा। हाँ, वो सिर्फ एक ट्रायल के लिए वो मतलब उन्होंने किया है कि जो बिग बॉस के फैंस थे उन वो बोर ना हो और ऊपर से जो उनके फैंस है वो जुड़े रहे, और इस मतलब जितना भी ये पूरा शो आएगा ये शादी वाला तो उसमें कुछ ऐसा होगा कि लोग जुड़े रहेंगे, या हमें कितनी टीआरपी में क्या होता है क्या नहीं होता उसके हिसाब से कुछ चेंजेस करेंगे। लेकिन मेन चीज ये यही है कि शादी नहीं होगी इस शो के अंदर, ये एक प्रपोजल टाइप का है कि लोग आके प्रपोज करेंगे या कुछ टास्क दिए जाएंगे कि इस तरीके से उन्हें खुश करना है, तो ये है पूरा इसका कॉन्सेप्ट। बाकी शादी वादी वाला जो फॉर्मेट कह रहे थे कि राखी सावंत का जैसे स्वयंवर हुआ था वैसे शहनाज गिल का होगा, तो ऐसा नहीं है, उसके अंदर सिद्धार्थ भी हैं और सिद्धार्थ जो शहनाज के जो फैंस थे वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे ये सुन के कि दोनों को अलग करने की कोशिश की जा रही है और दोनों अलग हो जाएंगे, तो सिद्धार्थ भी उस शो के अंदर हैं। बिल्कुल दर्शिका, यहाँ पर प्रशांत हमने देखा है कि शहनाज का स्वयंवर की तो खबरें हैं ही, साथ ही में आसिम रियाज की भी स्वयंवर की ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए, आसिम रियाज की भी स्वयंवर की खबरें आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी दर्शिका ने बताया कि ये स्वयंवर उस टाइप का स्वयंवर नहीं होगा, थोड़ा हट करके होगा। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि जो खतरों के खिलाड़ी का तुमने पिछला सीजन देखा होगा तो वो इतना ज्यादा फेमस हुआ था, लोगों को इतना पसंद आया था कि उसके जस्ट तुरंत बाद ही नेक्स्ट डे से खतरा खतरा करके एक शो आने लगा था टीवी पर, जिसमें वही सारे सेलिब्रिटी शो के अंदर नजर आए थे जिन्होंने
टास्क तो किए थे, हालांकि वो टास्क वैसे टास्क नहीं थे, थोड़े फनी वे के टास्क थे, लेकिन लोगों को वो भी शो पसंद आया था। सेम उसी तरह बिग बॉस के घर वाले बिग बॉस की तरह इसमें कुछ वही कंटेस्टेंट्स घर में होंगे, लेकिन फनी वे में कुछ टास्क करेंगे ऐसा स्वयंवर की तरह, तो वो थोड़ी डिफरेंट होगी। जैसे किसी पारस की भी खबरें उड़ गई हैं, शहनाज ने तो कार्ड्स भी बांट दिए हैं, तो मुझे लगता है कि आसिम रियाज भी होंगे उनमें से, तो वो चीज देखने को मिलेगी। लेकिन राखी सावंत की तरह तो प्रॉपर मुझे नहीं लगता उस तरीके का स्वयंवर है, वरना तो उस तरीके के प्रोमोज ही अलग होते हैं, जो स्वयंवर्स में आते हैं उनकी भी फुटेजेस प्रोमोज अलग अलग आते हैं, तो ये थोड़ा शो अभी डिफरेंट होगा, अभी प्रॉपर तरीके से कुछ बताया नहीं गया है, थोड़ा सा सब्र करने का और इंतजार है। बिल्कुल प्रशांत, तो कुल मिलाकर यहाँ पर बिग बॉस से निकलने के बाद भी घर वाले जो है एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने में अपना वो जारी रखेंगे, दर्शक को एंटरटेन करेंगे उसके बाद भी, बिग बॉस के शो के खत्म होने के बाद भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपके हिसाब से बिग बॉस का विनर कौन होगा, और ऐसे ही आपके लिए तमाम बिग बॉस से जुड़ी खबरें लेकर हम आते रहेंगे।